जे चैनल पाए गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दबा दो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। हरियाणा देखण और सुनण आले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप जड़ते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ तो सरकार के नुमाइंदे किसानों से इन अध्यादेशों पर आपसी सहमति बनाने का ढोंग कर रहे हैं जो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं, वहीं दूसरी तरफ तीन अध्यादेशों में से एक आवश्यक वस्तु अध्यादेश जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं उसे लोकसभा में पास करवा कर किसानों के साथ धोखा कर रही है। इनेलो इन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ 24 सितंबर से पहले चरण में 14 जिलों में प्रदर्शन करेगी और उपयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगी। इनेलो नेता ने कहा कि कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु विधेयक एक्ट बनाया गया था, लेकिन अब आवश्यक वस्तु विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद जमाखोरी पर लगी रोक हट गई है। पहले अनाज, दालें, आलू, प्याज एवं खाने के काम आने वाले तेल अनिवार्य सूची में आते थे, लेकिन अब इन्हें उस सूची से बाहर कर दिया गया है जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। नतीजतन अब बड़े बड़े व्यापारी इन उपजों का भंडारण बड़े पैमाने पर करेंगे जिससे कालाबाजारी करके मोटा मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा गठबंधन सरकार अगर किसानों के प्रति थोड़ी सी भी गंभीर है तो तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक लाइन का प्रस्ताव पास करे कि हरियाणा सरकार इन तीन कृषि अध्यादेशों को अपने प्रदेश में लागू नहीं करेगी और इसे केंद्र सरकार को भेज दे। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन सरकार कोरोना की आड़ में प्रदेश को जमकर लूटने में लगी है। पहले हमने 9 घोटाले प्रदेश की जनता के सामने उजागर किए थे, उसके बाद होमगार्ड घोटाला हुआ और आज एक नया घोटाला प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से सामने आया है जिसमें वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में गार्डों की भर्ती करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 10 से 40 हज़ार रुपये रिश्वत के लिए गए हैं। प्रदेश की जनता बड़ौदा के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन सरकार के उम्मीदवार की जमानत जब्त कर आईना दिखाने का काम करेगी। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।